करना है मुख्तसर जी, कोई भी आज के इवेंट पे बात करेंगे और हल्की फुल्की जो भी। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर मैं मौजूद हूँ सेफर टुगेदर के नाम से टिकटॉक का जो इवेंट है उसी में मेरे साथ शोरा फाग शख्सियत मौजूद है, इनके नाम से कौन वाकिफ नहीं है, डॉक्टर अफान। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं पहले तो कि आज के इवेंट के जरिए कैसे नौजवानों को जो है टिकटॉक पे सेफ रहने के आप जो है वो बताने जा रहे हैं टेक्निक्स। अच्छा, मुझे एक चीज की खुशी हुई है कि कंटेंट के जो मीडियम्स हैं उन इस बात का एहसास बड़े अच्छे तरीके से है कि सेफ कंटेंट बनाया जाए। टिकटॉक पे जो एक छाप थी ना वो टिकटॉक धो रहा है और इसको धो देना चाहिए कि सेफ और अच्छा कंटेंट हमारी नस्लों के जहनों में सोशल मीडिया घुस रहा है। अगर कंटेंट में गंदगी होगी तो गंदगी दिखाई जाएगी, गंदगी बांटी जाएगी और गंदगी सब तबाह कर देगी। ये बहुत अच्छी बात है कि सेफ और हेल्दी कंटेंट पे बात की जा रही है। डॉक्टर साहब मैं लाहौरी हूँ, हर चीज के बगैर गुजारा हो जाता है, खाने के बगैर गुजारा नहीं होता। जीला वाकई एक नशा है और इस नशे से जान नहीं छूटती, या आप हमें साइड इफेक्ट बताते हैं इस नशे से जान छुड़वाने का तरीका क्यों नहीं बताते? जीले ने अब अच्छा काम शुरू कर दिया ना, जीला मुझसे मिला भी था, उसने ऑलिव ऑयल में खाना बनाना अच्छा। शुरू कर दिया है, वो एयर फ्रायर भी इंशाल्लाह जल्दी इंट्रोड्यूस कराएगा। और जीला ना एक मासूम इंसान है, बड़ा मासूम है, यकीन वो उन लोगों के खाना वो करता है जो लाहौरी खाते हैं। जी जी, अब लाहौरियों को सोचना होगा कि उन्होंने अपनी डाइट चेंज करनी है, ठीक है ना, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो पहले जो है ना फरिश्ते जो है ना अपने अमाल ठीक कर लें, चीजें ठीक हो जाएंगी। बहुत अच्छा जी, डॉक्टर अफान साहब से मुख्तसर जो है इनसे गुफ्तगू की है। डॉक्टर साहब से शेर, डॉक्टर साहब से सुने। अच्छा देखिए, मुझे शहजाद भाई ने कहा कि कोई शेर सुना दिए जो डॉक्टर अफान के लिए, तो वैसे तो कई अशआर हैं लेकिन मुझे एक याद है जिस तरह से सोशल मीडिया पे चिमड़ गए हुए हैं ना लोगों को, जो लोगों को घी खिला खिला के बीमार कर रहे हैं, तो ये शेर इनके लिए बनता है कि हक बात के इजहार की जब आएगी नौबत ये मर्द मुजाहिद तुम्हें मैदान में मिलेगा। डॉक्टर साहब वी सैल्यूट यू। थैंक यू वेरी मच। सर मुझे ये बताइए, जैसे तमाम प्लेटफॉर्म जो है उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, अब जो अब्यूजिव था वो तो पहले टिकटॉक पे ब्लॉग था, एक मिनट अली भाई, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने यूजर्स को कि ऐसी कोई अब्यूजिव या इस तरह की कोई चीज जो है जो मतलब न्यूड हो वो पोस्ट ना होती हो। टिकटॉक का एक बहुत, हम जैसे कहते हैं ना व्यार बहुत गंदा था, लेकिन अब इस पर टिकटॉक ने सोचना शुरू कर दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आपके, इसमें क्या रेवोल्यूशन आएगा? देखें, टिकटॉक को पहले पाकिस्तान की कम्युनिटी गाइडलाइन का नहीं था पता कि एक पाकिस्तान के अकॉर्डिंग किस तरह, मतलब कि हमें एक अपनी पॉलिसी सेट। चल दोबारा से आ जाते। अच्छा तो अच्छा सीन, पाकिस्तान को अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन, हाँ टिकटॉक को नहीं था पता कि पाकिस्तान को यार। अच्छा वैसे इसके पीछे से आवाज कैप्चर नहीं होनी इसके अंदर। टिकटॉक को नहीं था पता, नहीं मैं इजी टिकटॉक को नहीं था पता कि पाकिस्तान की कम्युनिटी गाइडलाइन को किस तरह वो मतलब एक तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरह चल सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्हें पता लगा और आज आप देख सकते हैं पहले के टिकटॉक में और आज के टिकटॉक में बहुत फर्क है। इवन कि आप एक छोटा सा अभी अब्यूजिव लैंग्वेज या वर्ड कोई भी यूज करें तो आपकी वीडियो बैन हो जाती है और दो तीन दफा करें तो आपका अकाउंट भी बैन हो जाता है। और जो बदमाशी कल्चर टिकटॉक की वजह से बड़ा इन हुआ था वो खत्म हो रहा है या खत्म होगा? ऑलमोस्ट 99.9% खत्म है, वो भी एक आधा अगर कुछ निकला है वीडियो अव्वल तो वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेहतर पता है, ऑब्वियसली बात है, आप प्रेस हैं, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं। तो मेरा ख्याल है वो 99% बल्कि 100% क्लियर आउट हो चुका है। बहुत शुक्रिया जी अली भट्ट, अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे और भी दोस्तों से यहाँ पर आने वाले जो टिकटॉक के स्टार्स हैं उनसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है टिकटॉक की वजह से, जनाब अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले मुझे कहने लगा था मैं आप किसी और का नाम ले लें। सर मुझे बताएं जी सर, असल में भी बीवी से इतना ही तंग रहता है बंदा या ये सिर्फ टिकटॉक ही आता है? असल में बंदा बिल्कुल नहीं रहता है, दिमाग में तो कुछ ज्यादा होता है उससे ना। ज्यादा तंग रहता है? नहीं, मेरा बीवी से बहुत प्यार है और होता भी हस्बैंड वाइफ का बहुत प्यार होता है, लेकिन जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे ज्यादा प्यार होता है हंसी मजाक भी वहाँ पे ज्यादा होता है। अभी वीडियो से लगता है कि बीवी से प्यार है लेकिन अपनी नहीं। नहीं नहीं, अपनी बीवी से प्यार होता है, अपनी से होता है, जिस तरह देखा बंदे का दोस्तों से प्यार होता है, बंदा उनके हंसी मजाक भी करता है, तो जिससे ज्यादा प्यार, जहाँ पे ज्यादा प्यार होता है ना हंसी मजाक वहाँ पे ज्यादा होता है। मुनीब भाई कैसे सेफर रहा जा सकता है, कैसे सेफ रहा जा सकता है टिकटॉक पे, जब अब हम देख रहे हैं वैसे तो अब्यूजिव लैंग्वेज और इस तरह की वीडियोस को बहुत ज्यादा जो है टिकटॉक जो है ना रिजेक्ट करता है, मजीद क्या चीजें होनी चाहिए?
यार मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली जो दूसरी एप्लीकेशन है ना उनसे तो फिलहाल टिकटॉक बहुत असर चल रहा है। मैं ये नहीं कि हम लोग प्रायोरिटी वाली टिकटॉक है, हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी है, लेकिन अगर आप बच्चे का मोबाइल पकड़ाते हैं ना तो अगर वो यूट्यूब या फेसबुक पे जाते हैं तो रील्स आपने भी देखी है, वो सारे इंडिया से भी आ रही है, कम्युनिटी गाइडलाइन है। तो टिकटॉक अभी तक ना सबसे वैसे भी सबसे सेफर ये टिकटॉक ही चल रहा है यहाँ पे। तो मजीद में थोड़ा सा होता है कि कुछ ना कुछ अभी कंटेंट है जो उसको वो कैप्चर नहीं कर पाता, हमारी देसी जो पंजाबी गालियां आती है ना जी जी जी, अभी उनको नहीं कैप्चर कर पाता, केड़ी गाला कर देते हैं, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हो गया, इन फ्यूचर आई होप सो कि ज्यादा और मजीद बेहतर हो जाएगा। मुनीम मेरे साथ थे, अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे, और भी हम लोगों से बार बार ये जानते रहेंगे टिकटॉक की आज के इवेंट का जो मकसद है वो इस बात से तो आपको वाजिया हो रहा है कि सेफर टुगेदर आज का जो है वो हैशटैग है, उस पर मजीद भी लोगों से बात करेंगे।